नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं जलको बागड़ बेल्ट फेसबुक और तेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं बादरा मौजूद हूँ। रहमान मिष्ठान भंडार में हमें बुलाया गया है, जहां पर बहुत ही अलग प्रकार की मिठाइयां यहां पर लोगों को दी जाती है और आपको रहमान जी से ही बातचीत करवाएंगे किस प्रकार की वो मिठाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। तो चलिए रहमान जी से आपको बातचीत भी करवाते हैं और पूरे जो ये होटल है इनका आपको विजिट करवाते हैं किस प्रकार की मिठाइयाँ ये रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये मेन गेट है, यहाँ पे जो मिठाइयाँ लगाई गई है वो आप कैमरामैन से कहूँगा ये मिठाइयाँ आप एक बार ज़रूर दिखाएँ, थोड़ा गहराई से दिखाएँ। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर जो मिठाइयाँ बनाई जाती है आप ये देख सकते हैं। ज़बरदस्त ये लड्डू आप देख रहे हैं, इधर कतली आप देख सकते हैं, इधर पेड़ा भी है, ये गुलाब जामुन वगैरह सब सारे आप दिखाइए एक बार। और इधर ये नमकीन जी, हर प्रकार की नमकीन भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती है, जैसे बीकानेरी भुजिया है और टेस्टिंग वगैरह, और हर प्रकार की कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप। इसका एड्रेस भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। रहमान जी से आपकी बातचीत करवाएंगे तो हम आपको पूरा एड्रेस यहाँ का बता दिया जाएगा, क्योंकि दीपावली का सीज़न फिलहाल चल रहा है, तो दीपावली के सीज़न पर आपको रहमान जी की जो ये मिठाइयाँ हैं वो आप याद रखें। बड़ा ही समाज सेवी भी यहाँ के सबसे बड़े बादरा क्षेत्र के सबसे बड़े समाज सेवी भी रहमान जी हैं, और इनकी इनका जो होटल है उसका एड्रेस भी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। और आप दीपावली के इस अवसर पर आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयाँ तैयार की जाती है, देख सकते हैं यहाँ पूरा बिल्कुल अच्छे घी वाली मिठाइयाँ भी यहाँ अवेलेबल कराई जाती है आपको। और ये देख सकते हैं हर प्रकार, जब भी आप यहाँ विजिट करें तो ज़रूर एक बार सेवा का मौका दें। आप रहमान जी से आपको मिलवाएंगे हम, और अभी बातचीत करवाते हैं रहमान जी से, और कैमरामैन से कहूँगा आप घुमा करके दिखा दें पूरी के पूरी ये जो यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, इस प्रकार की मिठाइयाँ, जिस प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, जिस प्रकार के जो नमकीन में जो आइटम्स यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। और अभी मांगी जी आप थोड़ा इधर इधर होइए हमारी तरफ, हाँ इधर आ जाओ थोड़ा। तो अब आपको मिलाते हैं रहमान जी से, और जो बादरा के सबसे बड़े समाज सेवी भी है। तो रहमान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी हमारे फेसबुक पेज जलको बागड़ पर। आपका स्वागत है दिल से, और बहुत बहुत आपका आप आए हो। तो अब देखो ये है कि आपने वैसे तो ऐड बताया ही है सबको, जी जी। तो बादरा के अंदर मेरा काफ़ी साल से कम 20 साल से मेरा काम है। तो आपने साव बशन था पहले रहमान मिष्ठान भंडार के नाम से, जो पेट्रोल पंप है वहाँ हमारा काम था 10 साल। तो लगभग गाँव के अंदर हमारा काम है कैटरिंग का। और रही बात समाज सेवा की, ये मैं पिछले काफ़ी साल से 10 साल से मुझे इस चीज़ से लगाव है, जी जी। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है काम करने के लिए, कहीं भी जाऊं कहीं भी कोई काम हो बहुत अच्छा जी। तो पहले भी देखो रक्षाबंधन पर हमने ऑफर दिए थे मिठाई के अंदर जी जी बहन बेटियों के लिए, पर 20 रुपये किलो प्रति के हिसाब से छूट। अच्छा, छूट दी थी। हाँ जी, तो अब भी दीपावली के ऊपर क्या है कि हर बार मिक्स मिठाइयाँ बिकती है और कस्टमर लेके भी जाते हैं जी। तो अब की बार हमारा दावा ये है कि हम एनी टाइम जो रोटेशन में जो बेचते हैं ना दुकान पे, वही माल अलग अलग वैरायटी के अंदर। अच्छा। जैसे पेड़ा हो गया अलग क्वालिटी के अंदर है, जो भी है 200-300 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, बेसन बर्फी है 140 रुपये किलो है, वो रेट रखेंगे। रसगुल्ला गुलाब 140 है। आप कोई भी मिठाई अलग अलग डेली रोटेशन, कोई मिक्स वाला कोई चक्कर नहीं है, आप अवेलेबल है अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग भाव से लेके जा सकते हो आप। उसके अंदर भी आपको भारी छूट मिलेगी दीपावली के अंदर। और मेरा कोई मकसद नहीं है पैसे कमाने का, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार है, पूरी तहसील के अंदर मेरा काम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दीपावली के ऊपर है जो हमारा त्यौहार सबसे बड़ा होता है, जैसे दीपावली होगी, रक्षाबंधन होगी, ईद होगी, बकराईद होगी, ये सब हमारा बड़े त्यौहार होते हैं। तो हर प्रत्येक घर के अंदर हमारी मिठाई जाए, और जो हर 2 किलो पर ऑफर रहेगा, 2 किलो मिठाई है उस पर ऑफर रहेगा, गिफ्ट रहेगा, 5 किलो पर गिफ्ट रहेगा, 2 किलो जो भी कोई ऊपर मिठाई है, 1 किलो पर भी गिफ्ट रहेगा, प्रति किलो के ऊपर
हमारी दुकान पे गिफ्ट रहेगा कस्टमर को। दोस्तों आप देख सकते हो रहमान जी बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ होटल पे आने के बाद 2 किलो इकट्ठी अगर आप मिठाई खरीदते हैं उसी पर भी आपको गिफ्ट दिया जाएगा, उस पर आपको गिफ्ट मानो या कोई छूट मानो ये बात है, गिफ्ट मिलेगा, स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और अगर 5 किलो मिठाई आप खरीदते हैं तो भी आपको यहाँ पर गिफ्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो रहमान जी से आप इस रहमान मिष्ठान भंडार पर आप संपर्क जरूर कीजिएगा। और रहमान जी बड़े समाज सेवी भी है, और जब समाज सेवा की बात आते हैं तो अगर नहीं मतलब सबसे पहले आपको आगे तैयार खड़े रहते हैं, तो क्यों ना आप रहमान जी के जो मिष्ठान भंडार है यहाँ पर भी रहमान जी को भी आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और नज़दीक दीपावली है, वो नज़दीक आ रही है, तो इस पर आप एक बार रहमान जी से संपर्क करें। रहमान जी आपके और क्या ऑफर, जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आएगी तो और क्या ऑफर हो सकते हैं आपकी? भाई ऑफर तो देखो मैं हर कस्टमर से ये अनुरोध करूँगा कि हमारा दीपावली है वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है और सबके लिए होता है। तो जो कस्टमर है, मैं चीज़ ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं माथी काट दी कि पैसे कमाने का कोई चक्कर नहीं है, ऑनलाइन जो भी खरीदारी कर रहे हैं कोई भी जो भारत के अंदर अपने हैं जहाँ भी अपने कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा भाई बहनों से माताओं से कि वो अपने रेहड़ी वाले से लोकल दुकानदार से मार्केट से सामान खरीदने का कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन है जो आज हम दुकानदार बैठे हैं कोई भी हो मैं नहीं कोई भी अपने आदमी जो बैठे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं जो ऑनलाइन ख़रीदारी हो रही है उनसे बचें, अपने नज़दीकी दुकानदार से रेहड़ी वाले से ठेले वाले से फुटपाथ पे काम करने वाले से वो सामान खरीदें। और जहाँ भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े आपको, जैसे अभी आगा सावा है, सावा के अंदर जो एक जगह कैटरिंग मिलेगी आपको, हलवाई संबंधित सेवा है, बेटर संबंधित सेवा है, कैटरिंग में जो भी पूरा सामान है वो आपको यही मेरी दुकान से बुलबंद होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप सावा के अंदर भी कैटरिंग लगाएंगे उसका दीपावली के अवसर पर लगाएंगे आप सावा में भी? हाँ जी, अपना मेरा लगभग गाँव के अंदर पता है, बहन बेटियों को, माए को, बहनों को, भाई सुन रहे हैं मैं जा रहा हूँ बारा तहसील के अंदर, सबको पता है कि सुभान खान हलवाई के नाम से सब जानते हैं। और जहाँ भी अपने को ऐसे लगे कि गरीब कन्या है, गरीब कन्या की शादी के अंदर हमें हलवाई की व्यवस्था की जरूरत है, वो मेरी बिल्कुल काफ़ी साल से निःशुल्क रहती है, वो निःशुल्क रहेगी। मेरे गांव के अंदर मेरी काफ़ी साल से सेवा चल रही है कि रात को 10 बजे बाद में अगर बादरा तक किसी बहन बेटी को लानी पड़े, डिलीवरी केस हो, उसमें अपनी गाड़ी निःशुल्क है, कोई किराया भाड़ा नहीं है। और पीछे कोरोना काल के अंदर हमने दोनों कोरोना काल के अंदर एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के ऑक्सीजन गैस लगा करके एम्बुलेंस गाँव के अंदर लगाई थी। अच्छा। बादरा से कोई दवाई पानी जो भी कुछ भी चीज़ चाहिए रास्ते से आपकी तरफ से? बिल्कुल मेरी तरफ से स्पेशल, बाकी आप सबका सहयोग है जी, जनता का सहयोग है, मेरा क्या है भी जनता सहयोग करती है तभी है। बाकी कोरोना काल के अंदर निःशुल्क गाड़ी हमने लगाई थी। और रही बात अपने अनूपसर गांव के अंदर है जहाँ डिलीवरी केस है, डिलीवरी केस के दौरान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कन्या को जन्म देती है मेरी बहन बेटी, उनके लिए मेरी तरफ से पीछे दिया है मैंने गांव के अंदर 1000 रुपये नगद। अच्छा। एक मिठाई का डब्बा होता है, एक घी का डब्बा होता है, कन्या को जन्म देने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा ये। और भी बहुत सुविधाएँ हैं, आप एक बार मेरी दुकान पर आओ, आप मुझसे संपर्क करो। और दीपावली पर मैं ज़्यादा ज़्यादा ये गुंजाइश करूँगा कि आप रहमान मिष्ठान भंडार पर आएँ और मिठाई खरीदें। और आप पता है आपको क्वालिटी मिलेगी आपको, कोई क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, एकदम साफ सुथरी को अलग अलग ले आप, बेसन बर्फी अलग रेट है, गुलाब जामुन है, जलेबी 100 रुपये किलो है, गुलाब जामुन 140 रुपये किलो है, पेड़ा बर्फी 300 रुपये किलो है, अन्य कोई भी चमचम है वो 150 से 140 रुपये किलो है, यानी कोई जो रोटेशन के रेट है ना अपनी दुकान के वही आपको दीपावली मिलेंगे। सही 5000 10000 कुंटल 1000 कुंटल मिठाइयाँ बिको, हम कभी रेट नहीं बढ़ाते हैं, नहीं रक्षाबंधन बढ़ाए हैं, नहीं होली पर है, नहीं दिवाली पर है, नहीं त्यौहार पर, किसी त्यौहार पर नहीं बढ़ाए हैं, आपको एकदम साफ़ सुथरा रेट मिलेगा, साफ़ सुथरी मिठाई मिलेगी, प्योर वनस्पति घी के अंदर, कोई मिलावट वाला चक्कर नहीं है, वो नहीं वनस्पति के अंदर है प्योर। आप आओ एक बार मुझे मौका दो, आओ आप। दीपावली का सीज़न लगातार नज़दीक आ रहा है, तो आप रहमान जी से एक बार ज़रूर, इनके जो होटल बना हुआ है रहमान मिष्ठान भंडार सावा बस स्टैंड के नज़दीक, तो आप ज़रूर संपर्क करें। हर प्रकार की मिठाइयां आपको यहां पर बढ़िया क्वालिटी में मिलेगी, और यहां पर क्वालिटी की गारंटी रहमान जी ने आपको बताया कि कोई प्रकार का समझौता नहीं होगा, यहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और वनस्पति घी के साथ उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप
किसी प्रकार की दीपावली पर या ब्याह शादी के अंदर और कोई भी बान बंदोरे के अंदर कोई भी अगर मिठाई को आप मिठाई की आवश्यकता पड़े तो आप रहमान जी से एक बार जरूर संपर्क करें, सावा बस स्टैंड के नज़दीक ही आपको। रहमान जी एक बार आप एड्रेस दर्शकों को बता दीजिएगा। आप एड्रेस तो वैसे पता है सबको, लेकिन पहले तो अपना था जो बाएँ वाला बस स्टैंड था रहमान मिष्ठान नाम से, सब जानते हैं। अब अपना जो मेन जो साई वाली बसें लगती है सावा रोड पर, सुखदेव सिंह जी का ऑफिस है ठीक उसके सामने है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं मेन रोड पे। आप जहाँ बस लगती है ना तारनगर की, तारनगर वाली बस के बिल्कुल आगे देखोगे आप साइड में गली के अंदर है तो अपने बोर्ड लगे हुए हैं और नंबर भी लगे हुए हैं। जो भी है आप पूछोगे किसी को भी तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक बार जरूर, सभी माताओं बहनों को मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यों नई नई जगह है वो दुकान हमने खाली कर दी पीछे वाली और दूसरी जगह शिफ्ट की है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि दीपावली पर आप मुझे एक बार मौका दें और गांव में ब्याह शादी के अंदर मुझे एक बार मौका देवें। और क्वालिटी के साथ आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वालिटी के साथ आप पहले भी कभी भी धोखा नहीं हुआ है, कहीं भी मेरे को आप साबित कर दो किसी भी तहसील के अंदर मैं जा रहा हूँ लगभग, कहीं भी आप मुझे ये कर दो कि रहमान मिष्ठान भंडार में हमने ये गए वहाँ पे से फालतू लग गए, भाव के अंदर फालतू लग गए या किसी चीज़ के अंदर आपको कोई भी हो तो आप मुझे सीधा संपर्क करें, सीधा फ़ोन पर बताएं और मुझसे बात करें। आप कोई किसी के सामने बात रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप मुझे एक बार मुझे कंडक्ट करें, मुझे मिलें, मुझे बताएं कोई समस्या है वो। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं उस समस्या का हल करूँगा और जहाँ भी कुछ कहीं भी इंसान से गलती होती है, अगर मुझे कहीं भी आपके साथ या कहीं रिश्तेदारी के अंदर कहीं भी गलतियां हुई हो तो मुझसे भी वो अनुरोध करें, मैं सुधार करूंगा उसका भी। और आगे आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ से दुकान हमने खाली कर दी है, दूसरी जगह शिफ्ट की है, तो आपका एक बार मुझे सहयोग चाहिए, ज़रूर ज़रूर आप एक बार मेरी दुकान पर आएँ, आपकी दुकान है अपना कुछ नहीं है और आप से अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आए, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि दीपावली का सीज़न लगातार नज़दीक आता जा रहा है, तो अगर दीपावली के शुभ अवसर पर आपको मिठाइयों की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी और कहीं पर आपका ब्याह शादी के अंदर कोई प्रकार का उत्सव है तो वहाँ पर भी आप मिठाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है खरीदनी है तो रहमान जी से आप एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।